बस बहुत हो गया, ले जाए आप अपनी बेटी को अपने साथ। ये क्या कह रही हैं आप? अरे क्या आपा, अरे भर पाई मैं ऐसी बहू से, एक के बाद एक मुसीबत चली आ रही है। लेकिन इस सब में मेहर तो बेकसूर है आपा। अरे कसूर तो मेरा और उस्मान का है, जो तुम्हारे घर की मुसीबत को अपने घर ले आए। इसलिए बस हमने फैसला कर लिया कि हम रखने वाले नहीं है इस लड़की को। एकदम से इंतहाई फैसला ना करें, इस तरह से कैसे होगा? अरे कोई एकदम वेकदम से नहीं हुआ, हमने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। बस कह रही हूं मैं तुम्हें कि यहां नहीं रह सकती अब। देखे जबार भाई, हमारे घर में इसके लिए अब कोई जगह नहीं है, इसलिए मेहरबानी करें इसे अपने साथ ले जाएं। बाकी कागजी कार्रवाई उस्मान बाद में कर लेगा। आपा, कुल्ला का वास्ता, ये इंतहाई कदम मत उठाएं। वो लड़का इसके पीछे पड़ा हुआ है, ये तो हर वक्त आपकी नजरों के सामने है ना आपा। इसके पास तो फोन भी नहीं है, इसका तो किसी से कांटेक्ट भी नहीं है। हम भी रहम करें आपा, आपको अल्लाह का वास्ता। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो एक मौका और देती हूं। लेकिन मेरी एक बात आप लोग कान खोल कर सुन ले, आइंदा अगर ऐसा हुआ ना तो मुझसे किसी अच्छे की उम्मीद मत रखिएगा। सुन लिया आप लोगों ने? जिंदगी बर्बाद करके रख दी इस लड़की ने हमारी।